घने जंगलों और धुंध भरी पहाड़ियों के बीच बसे रेवेंस हॉलो के शांत शहर में एक पुराने इसके संग्रह में जटिल चांदी के पैटर्न से सजे एक रहस्यमय दर्पण ने जिज्ञासु शहरवासियों का ध्यान खींचा। एक शाम दोस्तों का एक समूह अपने साहस का परीक्षण करने के लिए दुकान में दाखिल हुआ। दुकानदार की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वे उत्साह और घबराहट के साथ दर्पण के पास पहुँचे। जैसे ही उन्होंने इसकी गहराई में देखा, प्रतिबिंब ने उनके बाहरी स्वरूप को नहीं बल्कि उनकी आत्माओं की सबसे अंधेरी गहराइयों को उजागर किया। दर्पण में सबसे पहले झांकने वाली सारा एक दयालु महिला प्रतीत होती थी। उसके आतंक के लिए प्रतिबिंब ने ईर्ष्या और नाराजगी से प्रेरित खुद का एक संस्करण दर्शाया। इस रहस्योद्घाटन ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया, जिससे उसे यह एहसास होने लगा कि उसके मुखौटे में एक अशांत आंतरिक दुनिया छिपी हुई है। अगला नंबर था जेम्स, एक करिश्मा युवक जिसकी कई लोग प्रशंसा करते थे। दर्पण ने एक क्रूर महत्वाकांक्षी पक्ष को उजागर किया, जो सफलता के लिए दूसरों को रौंदने को तैयार है। अपराध बोध से ग्रस्त होकर वह अपने सार्वजनिक व्यक्तित्व और छिपे हुए उद्देश्यों के बीच स्पष्ट विरोधाभास से जूझ रहा था, जो अब उसे घूर रहा था। जैसे जैसे दोस्तों ने बारी बारी से अपने आंतरिक राक्षसों का सामना किया, प्राचीन वस्तुओं की दुकान का माहौल एक अलौकिक उपस्थिति से भारी हो गया। ये स्पष्ट हो गया कि दर्पण में एक द्वेषपूर्ण शक्ति थी, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर की परछाइयों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करती थी। अंत में समूह टूट गया, खुलासों से उनकी दोस्ती टूट गई। दर्पण का अभिशाप दुकान से आगे तक बढ़ गया और रेवेंस हॉलो पर काले बादल छा गए। नगरवासी, जो कभी एकजुट थे, अब दर्पण की सच्चाई से निरंतर भय में रहते थे। इस भयावह कहानी का नैतिक हमारे भीतर के राक्षसों का सामना करना एक भयानक यात्रा हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत विकास और दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाए रखने के लिए अपने आंतरिक अंधेरे को स्वीकार करना और उस पर काबू पाना आवश्यक है। दर्पण ने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि सच्ची आत्म खोज के लिए साहस और असुविधाजनक सच्चाइयों का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होती है।